साउथ अफ्रीका दौरे पर जाने से ठीक पहले टीम इंडिया को लगा है बड़ा झटका। भारतीय टीम के नए कप्तान रोहित शर्मा हो सकते हैं पूरे साउथ अफ्रीका दौरे से बाहर। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। टीम इंडिया का साउथ अफ्रीका दौरा 26 दिसंबर से बॉक्सिंग डे टेस्ट के साथ शुरू होगा। इस दौरे के लिए टीम इंडिया 16 दिसंबर को साउथ अफ्रीका के लिए उड़ान भरेगी, लेकिन उससे पहले खबर कुछ अच्छी नहीं है। दरअसल टीम इंडिया की टेस्ट टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा मुंबई में ट्रेनिंग सेशन के दौरान चोटिल हो गए हैं। रोहित शर्मा को ये चोट तब लगी जब थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट राघवेंदर की गेंद सीधा उनके हाथों पर जाकर लगी और उन्हें तगड़ा दर्द हुआ। प्रैक्टिस सेशन के दौरान रोहित शर्मा को चोट लगने की खबर साउथ अफ्रीका के अहम दौरे से पहले उनके फैंस के लिए किसी बुरी खबर से कम नहीं है। रोहित शर्मा की ये चोट अब कैसी है, इस पर अपडेट का इंतजार है। कुछ ऐसी ही चोट साल 2016 में अजिंक्य रहाणे को भी लगी थी, जिसमें उनकी अंगुली थ्रो डाउन पर टूट गई थी। साउथ अफ्रीका दौरे पर पहला टेस्ट मैच खेलने में अभी 2 हफ्ते का समय बाकी है, यानी रोहित की चोट अगर ज्यादा गंभीर नहीं हुई, जिसका की अनुमान लगाया जा रहा है, तो वो फिट हो सकते हैं। लेकिन अगर वो चोटिल रहे तो फिर उस सूरत में सेंचुरियन में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच में मयंक अग्रवाल और केएल राहुल भारतीय टीम के लिए इस पारी की शुरुआत करेंगे। हालांकि भारतीय टीम की पहली पसंद रोहित शर्मा होंगे और वो यही चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द फिट होकर साउथ अफ्रीका में पहला टेस्ट मैच खेलते हुए दिखाई दें। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले रोहित शर्मा का फिट होना क्यों जरूरी है, अब जरा वो भी समझ लीजिए। दरअसल हिटमैन इस साल टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट के बाद दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। वो जिस तरह के फॉर्म में है वो टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका में पहली टेस्ट सीरीज जिताने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने इंग्लैंड में खेली गई टेस्ट सीरीज में 52 से ज्यादा की औसत से 368 रन बनाए हैं। फिलहाल पूरी टीम इंडिया मुंबई में बने बायो बबल में है, यहीं से वो 16 दिसंबर को चार्टर्ड फ्लाइट से साउथ अफ्रीका के लिए रवाना होगी। साउथ अफ्रीका दौरे पर 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के बाद भारत को 3 मैचों की वनडे सीरीज भी खेलनी है, जिसमें रोहित शर्मा कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों इस पर आप भी दुआ कीजिए कि रोहित शर्मा की चोट ज्यादा गंभीर न हो। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।